कहने का मतलब इसमें मजदूर को क्या मिल रहा भाई, तुम पानी फ्री दे रहे हो मकान मालिक को दे रहे हो। भाई मकान मालिक तो किराएदार से पानी बिल ले रहा उसका, तो किराएदार को क्या माफ है उसमें? पढ़ाई नहीं हो रही, पूरा दिन बैठे रहते हैं, पूरे दिन में एक आध पीरियड लग जाता है, पढ़ाई कोई है वो टीचर नहीं आते, नहीं आते। बीजेपी ने नहीं करा, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट देंगे, मोदी के नाम पे वोट देंगे। एमसीडी में भी, एमसीडी में मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तीन तीन महीने का केजरीवाल पता नहीं, पेंशन नहीं हमारी, कुछ नहीं बताओ। चप्पल आया मोदी, चप्पल आया मोदी, चप्पल टाइम में आएगा, चप्पल खाएगा तो कोई बात नहीं। 70 सालों में पिछली सरकार में पढ़ाया तो है नहीं, तो इनकी सोच तो विकसित हुई नहीं। इनसे पूछो लाल किले का कौन सा कोना बिका, कौन सा कोना इन्होंने खरीदा बताएं जी। सिर्फ इनको केजरीवाल का झूठा पानी पी पी करके झूठ बोलने की आदत इनको पड़ गई। और नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। हमारी एमसीडी की यात्रा लगातार जारी है और उसी क्रम में हम रोहतास नगर विधानसभा के रामनगर ईस्ट वार्ड में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों का हुजूम जमा हुआ था तो हम यहाँ पहुँचे अग्रसेन मार्ग जहाँ पे द्वार बन रहा है। और यहाँ पे अगर बात बगल में आप देखें तो नंद नगरी की चौकी जो है वो पड़ती है, चौराहा यहाँ पे पड़ता है, लोगों का हुजूम रहता है। और ये वो वर्ग है जहाँ पर आने पर आपको पता चलता है कि दिल्ली की असली हकीकत क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में एमसीडी में भाजपा ने कितना अच्छा काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार 7 सालों से सत्ता में है, केजरीवाल साहब कहते हैं कूड़े को हटा देंगे, तो क्या सच में कूड़े को हटाया जाएगा? कांग्रेस ने पिछले दिनों कितना अच्छा काम किया था? इन सब बातों को भी जानने की कोशिश आम आदमी से करेंगे। चूँकि होता ये है कि हम लगातार बात करते हैं नेताओं से, इंटरव्यूज़ करते हैं नेताओं से, नेता बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन आप जब ज़मीन पर उतरते हैं तो ज़मीन पर उतरने के बाद लोग उस वादों के बारे में क्या कहते हैं, क्या वो काम पूरे होते हैं या नहीं, उन सब बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ पर एक भाई मिले हैं, इनसे हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मनोज कुमार गुप्ता जी। मनोज कुमार गुप्ता जी, गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर जिला यूपी। यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो इन 12 सालों में आपने कांग्रेस की सरकार देख ली, आम आदमी पार्टी की देख ली, भाजपा को एमसीडी में देख लिया, उत्तर प्रदेश में भाजपा को देख लिया, उसके पहले अखिलेश को देख लिया, इन सब को देखने के बाद सबसे अच्छा काम किसका लगा? भाजपा किया भाई। भाजपा का सबसे अच्छा काम क्यों लगा? सबसे अच्छा काम यूँ लगा कि भाई भाजपा 5 साल में या जितने साल में वो जीती, भाई गाँव में एक तो लाइट पहुँचा दी, नहीं तो आपके गांव में आ गई लाइट? हाँ बिल्कुल आ गई, जहाँ सड़क नहीं बननी थी वहाँ सड़क बना दी। आपके गांव में बन गई सड़क? बिल्कुल बन गई। ठीक, बस यही सब काम किया। और भाजपा ने उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में क्या 12 साल से रह रहे हो? दिल्ली में यार मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले थे कि लॉकडाउन में किराया माफ करा दूंगा, किराएदारों का एक भी किराया ना माफ हुआ। आप किराए से रहते हैं? हाँ बिल्कुल रहते हैं। आपका माफ हुआ? नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो केजरीवाल साहब ने ये कहा था किराएदारों का किराया माफ करा देंगे, बातें झूठे हैं उनके? वादे झूठे है ही हैं। और अच्छा, बिल्कुल केजरीवाल सरकार को वोट मिलना चाहिए। मेरी बात कहने का मतलब इसमें मजदूर को क्या मिल रहा भाई, तुम पानी फ्री दे रहे हो मकान मालिक को दे रहे हो। भाई मकान मालिक तो किराएदार से पानी बिल ले रहा उसका, तो किराएदार को क्या माफ है उसमें? किराएदार को कुछ भी माफ नहीं, कुछ नहीं माफ है। मतलब आप 12 साल से दिल्ली में रह रहे हो, 7 साल से केजरीवाल को देख रहे हो, केजरीवाल पसंद नहीं आए? नहीं भाई। चलिए, केजरीवाल इनको पसंद नहीं आए, उत्तर प्रदेश में थे, और लोगों से बात करते। आइए साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गया 10 साल। 10 साल रह रहे हैं। 10 साल में केजरीवाल सरकार को देखा, भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में देखा, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में देखा, कौन सी सरकार अच्छी लगी? सरकार तो केजरीवाल अच्छी है। केजरीवाल दिल्ली, अच्छी दिल्ली के लिए। अभी वो कह रहे थे केजरीवाल अच्छी नहीं है। कोई बात है ना, कोई किसी को अच्छा बताएगा, कोई किसी को अच्छा बताएगा। आपको कैसे अच्छी लगी? हमें अच्छी लगी कि दिल्ली के लिए बढ़िया है, पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, जो भी काम करेगा वो बढ़िया करेगा। तो दिल्ली के लिए पढ़ा लिखा इंसान है, बढ़िया काम करे। हाँ। एक आध तो काम पता है कि ये काम बढ़िया किए हैं? काम बढ़िया किया है। कैसे? वो कह रहा है हमें स्कूल बनवानी है, हॉस्पिटल बनवानी है, बच्चे को अच्छा शिक्षा देनी है, गरीब और अमीर का लड़का सब एक ही स्कूल में पढ़ेगा, या ना हो कि गरीब का लड़का सरकारी में पढ़ेगा और अमीर का लड़का प्राइवेट में पढ़ेगा, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। आपके लड़के कहाँ पढ़ते हैं? हमारे लड़के दिल्ली में ही पढ़े। दिल्ली में कहाँ पे, सरकारी के प्राइवेट? भाई साहब हम तो प्राइवेट में पढ़ाए, अब सरकारी में पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद से सरकारी में पढ़ा? पैसे है ना, बजट है ना, तो क्या सरकारी स्कूल में कैसी सुविधा मिल रही है बच्चों को? अभी तो सही सुविधा चल रही है, अभी चल रही है। तो जो सरकारी स्कूल है किसका सरकारी स्कूल है? दिल्ली सरकार का।
इसका है भाई, इतने पढ़े लिखे हम अच्छा। हैं ना, जो जानकारी है वो बता रहा हूँ। कहाँ का सरकारी स्कूल है वैसे? दिल्ली का सरकारी स्कूल। चलो तो मतलब कुल मिला के केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है। मैडम आप कुछ कहना चाह रही थी, आइए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ हो रही है पहले ये बता दो। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही बिल्कुल भी, पहले जैसे पढ़ाई होती थी ना वो नहीं है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में ही है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं वो आके क्या कहते हैं आपसे, आपके बच्चे? पढ़ाई नहीं हो रही, पूरा दिन बैठे रहते हैं। पूरे दिन में रहते हैं तो ये केजरीवाल पूरे दिन में एक आध पीरियड लग जाता है, कोई पढ़ाई कोई है वो? टीचर नहीं आते? नहीं आते। तो ये मैम हमारे साथ खड़ी हुई है, आप थोड़ा इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। इनका ये कहना है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, केजरीवाल साहब बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधार दी गई है, टीचर समय पर पहुंचते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, टीचर समय पर आते नहीं आते? फोन पे बात करती रहती है मैडम। मैडम फोन पे बात करती रहती हैं और बच्चे आप लोग जो अभिभावक हैं उनसे जाके बात करने की कोशिश करते हैं कि तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें अपने हिसाब से पढ़ाना है, बस अपने हिसाब से पढ़ाना है। और फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्कूल वो अभी गई थी बार 10-11 क्लास की लड़की है उसकी गई थी फीस 1500 रुपए। 1500 रुपए तो पेपर किस चीज के जाएंगे? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं की हूँ, यहीं की लोकल दिल्ली की। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार को वोट दिया था आपने के भाजपा सरकार? केजरीवाल को इतना काम कुछ नहीं करा। काम कुछ नहीं करा। पानी वानी कैसा आ रहा है आपका? पानी तो सही है, पानी ठीक आ रहा है। अच्छा स्कूल की समस्या है, हॉस्पिटल वगैरह की समस्या? हॉस्पिटल का कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं बनवाया? राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड है, बनवाया है। तो कुल मिला के केजरीवाल सरकार को आप रिपोर्ट कार्ड अगर बनाया जाए तो कितने नंबर देंगी? मतलब आपको लग रहा है अच्छा काम किया है नहीं किया है? छह नंबर, 10 में से 6। मतलब आधा काम कर दिया आधा बाकी है, करा ही नहीं है, ना के बराबर है मेरा, ना के बराबर है। और फिर कुछ और काम अगर जो बच रहे हैं वो करवाएंगे। हाँ। चलिए तो स्कूलों की हालत हमने देख ली, स्कूलों की बात कर ली, ये भी देखा समझा परखा। और देखने की बात ये है कि जब सरकारी स्कूलों की बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं की, बात आती है काम करने की, विकास मॉडल तैयार करने की, तो केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे करती है। और इतने बड़े दावे के भाई साहब हमने दिल्ली में बहुत सारा काम कर दिया है, बातें सही है कि नहीं? जनता से जान रहे हैं, अभी जनता से जाना था फिर से जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है सर। दीपक कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर के, यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ सादरी में रहते हैं। कहाँ, कब से रह रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो 20 साल में इतनी सरकारें देख ली, केजरीवाल सरकार की क्या रिपोर्ट है? केजरीवाल जैसा काम कर रहा है ना सर, ऐसा कोई हिंदुस्तान में आज तक करा ना किसी ने। केजरीवाल जैसा काम कर रहा है वैसा किसी ने हिंदुस्तान में नहीं, किसी ने नहीं करा। कैसा कैसे काम वैसे? देखो लेडीज के लिए कितनी बड़ी सुविधा करा, क्या तक कैसे बसों में फ्री है ना लेडीज के लिए, आज तक कराए ठीक है इतने सालों में, और दवाई फ्री मिल रही है, और बाकी क्या नाम है, रोड भी स्कूल में भी कितनी सुविधा दे रहा है स्कूल। ये लोग बाग जो है कि केजरीवाल का नाम उछालने है, वे बेकार है ठीक है। केजरीवाल जो काम कर रहा है भैया अपने नियम से कर रहा है, अपने घर में देखते नहीं है कि बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, दूसरे पे उंगली उठाने आ जाते हैं, दूसरे पे उंगली उठाने आ जाते हैं। अच्छा 20 साल से आप हो तो एमसीडी को भी देखा होगा जी, एमसीडी में भाजपा ने कैसा काम किया? भाई साहब जैसे भी है क्या नाम है, आप क्या बताएं, हम बुरा किसी करते नहीं, बाकी हमने जो बोलना था भाई बोल दिया। मतलब कुल मिला के आपका रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है? जो भी है ठीक है, बाकी है जो वोटर कहाँ के हो है? वोटर कहाँ के हो? हम तो हनीश गए, अब तो फिलहाल तो यहीं के हैं। वोट आउट बताओगे किसको दोगे? भैया हमने तो केजरीवाल को दिया, केजरीवाल को देने आए। एमसीडी में भी केजरीवाल? हाँ जी एमसीडी में केजरीवाल। हाँ चलिए आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो यूपी के हैं भाई, रहने वाले यूपी के रहने वाले हैं। कहाँ, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो अब भी यूपी में रहे, सुबह आवे शाम को चले। अच्छा सुबह आवे शाम को, तो दिल्ली आते हो, दिल्ली में विकास दिखता है? हाँ बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, केजरीवाल काम कर बढ़िया कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जिताएंगे आएंगे तो? उत्तर प्रदेश में क्योंकि करेंगे, लेकिन हम मुलायम सिंह के आदमी है वहाँ पे। अच्छा मुलायम सिंह के अखिलेश के आदमी, अखिलेश के आदमी। अच्छा तो अखिलेश का अगर गठबंधन होता है आम आदमी पार्टी से जिताओगे? हाँ जी जिता दोगे, तके जिता। दिल्ली में काम हो रहा है? चलिए दिल्ली में काम हो रहा है, एक भाई साहब ने बोला है दिल्ली में काम हो रहा है, एक भाई साहब आए हैं वो कह रहे हैं हम यूपी से आते हैं दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली में बतेरे काम हो रहा है। नाम क्या है भाई साहब? मेरा मोनी खान। मोनी खान कहाँ के रहने वाले? अशोकनगर के। अशोकनगर के रहने वाले हैं। एमसीडी में भाजपा ने काम किया? नहीं किया। नहीं किया, कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में काम किया? बहुत बड़ा काम करा, बहुत बड़ा काम किया। जैसे कि स्कूल देख लो, स्कूल देख लो, जगह जगह क्लीनिक देख लो। मैडम हमारे साथ खड़ी थी, वो कह रही थी कि स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, पढ़ाते नहीं है बच्चों को। स्कूल जाके चेक करो ना टीचर है या नहीं है, पढ़ाई देखो जाके, सफाई देखो, अच्छी जाके देखो ना। उनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो झूठ थोड़ी बोल रही होंगी? जाहिर सी बात है उनके बच्चे झूठ बोल रही है, वो जाके देखो। उनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं? वो झूठ बोल रही है, उनके बच्चे ने वो झूठ बोल रही है। अच्छा वो झूठ बोल रही है। चलिए तो आप बताइए कि एमसीडी में जब बीजेपी ने काम नहीं किया, इस बार जो केजरीवाल सरकार कह रही है कि भाई साहब हम बदल देंगे, परिवर्तन ला देंगे, कूड़ा हटा देंगे, केजरीवाल सरकार कर लेगी ये सब? क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? वोट किसको देंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। चलिए
नाम क्या है आपका सरकार? मेरा ही सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी केजरीवाल सरकार दिल्ली की और एमसीडी की बीजेपी सरकार, किसको ज्यादा नंबर देंगे? बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को काम करे हैं बीजेपी ने? बीजेपी ने काम नहीं करा, मोदी जी तो काम कर ही रहे हैं। अच्छा मोदी जी ने काम किया, बीजेपी ने काम नहीं किया? बीजेपी ने नहीं करा, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी के नाम पे वोट देंगे, मोदी के नाम पे वोट देंगे। एमसीडी में भी, एमसीडी में मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तीन तीन महीने तो केजरीवाल पता नहीं, पेंशन नहीं हमारी, कुछ नहीं। बताओ चप्पल आया मोदी चप्पल। भाई साहब प्रधानमंत्री हैं आपके, थोड़ी मर्यादा रखें, थोड़ी मर्यादा से नाम लिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री वे एक सम्मानित पद पर बैठे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने समर्थक होते हैं। अच्छा एमसीडी की बात कर लेते हैं थोड़ी। मोदी जी तो खैर केंद्र में बैठे हैं ऊपर, लेकिन एमसीडी में जब काम की बात आती है, बीजेपी ने काम किया? देखो जी, बीजेपी ने काम कराओ चाहे ना कराओ, हम तो मोदी जी सिकल को वोट देते हैं। मोदी के लिए ना, मोदी के लिए। मोदी जी क्या राष्ट्र के लिए क्या काम कर रहे हैं? देश के लिए तो बड़ा काम कर रहा, दुनिया ने देखा। देश को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बता देंगे, बेच रहे हैं। लाल किला बेच दिया, क्या क्या रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दी, लाल किला बेच दिया, लाल किला बेच दिया। अरे भाई साहब, लाल किला बिक गया है, देश में रेलवे बिक गई है। एक मिनट सुन लेते हैं, फिर आपसे भी ले लेते हैं। ऐसा है, 70 सालों में पिछली सरकारों ने पढ़ाया तो है नहीं, तो इनकी सोच तो विकसित हुई नहीं। इनसे पूछो लाल किले का कौन सा कोना बिका, कौन सा कोना इन्होंने खरीदा, बताएं जी। सिर्फ इनको केजरीवाल का झूठा पानी पी पी करके झूठ बोलने की आदत इनको पड़ गई। और एक मानवा अभी बदतमीजी के भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी सोच क्या होगी? वो एक ही मानसिकता से घिरे हुए लोग हैं। और रही बात, अभी आप पूछे थे किसी भाई से कि स्कूल कैसे चल रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ स्कूलों की क्या स्थिति है। आप दिल्ली गेट चलो, जामा मस्जिद चलो, जो इनके लिए वहाँ चलो, आप देखो मोहल्ला क्लिनिक देखो, चलो पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें कुत्ते लोट मार रहे हैं, जुआ खेला जा रहा है।